है सभी को, क्या हाल चाल है सभी के। मैं भी बढ़िया। तो आज की वीडियो होने वाली है मोबाइल मोटो व्लॉगिंग के ऊपर। तो इंस्टाग्राम पर काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भैया कैसे अपनी मोटो व्लॉगिंग मोबाइल से, आप मोटो व्लॉगिंग जो करते हो वो मोबाइल से करते हो, कैसे करते हो। तो हाँ, मैं अपने मोबाइल से मोटो व्लॉगिंग करता हूँ। तो चलते हैं हमारे एक सीक्रेट लोकेशन पर, जहाँ पे मैं आउटडोर में ये वीडियो शूट करने वाला हूँ। सारी एसेसरीज आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या और कैसे यूज़ करता हूँ। मेरी जो मोटो व्लॉगिंग सेटअप है वो मैं आपको आज दिखाता हूँ। तो हम लोग आए हुए हैं एक सीक्रेट लोकेशन पर, जो काफ़ी अच्छी आप देख पा रहे होंगे। तो हमने आज नया एक्सप्लोर किया है इस लोकेशन को। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मेरे पास है दो हेलमेट, एक है मेरा यामा का जब मैंने बाइक परचेज की थी ये वाला, और एक है जो मैं डे में मोटो व्लॉगिंग के लिए इसको यूज़ करता हूँ। तो डे के लिए मैं इस हेलमेट को यूज़ करता हूँ, स्टील बर्ड का एयरबर्ड एयर। और ये है मेरा यामा का, ये वाला हेलमेट है स्टील बर्ड का, जो कि ऑफ रोडिंग बाइकर्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और टूरिस्ट बाइकों पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो मैं मोस्टली व्लॉगिंग जो है डे में कर रहा हूँ, तो इस पर मैंने लगा रखा है अपना माउंट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये मैंने माउंट लगा रखा है। आइए आपको दिखाता हूँ इसकी एसेसरीज। मैं ग्लव्स यूज़ करता हूँ, राइडिंग ग्लव्स ये हैं बेसिकली। ये ग्लव्स हैं जिम में यूज़ करने के लिए, लेकिन मैंने राइडिंग में यूज़ करता हूँ, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस है इनका, ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलता है, आपको पेन नहीं होता। आप जानते हैं आपके पास अगर यामाहा 15 अगर आप इसे ड्राइव कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट देते, काफ़ी अच्छा मुझे लगे। आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ जो है कि जो ये है मेरा माइक जो मैं यूज़ करता हूँ, और ये है मेरा फ़ोन, मेन चीज़ मेरा फ़ोन वीवो V17 Pro। इसके अंदर मुझे वाइड एंगल मिल जाता है। और दूसरा है ये मोबाइल माउंट, एक ये माउंट है हेलमेट क्लिप माउंट, और ये इसका एक स्क्रू। और ये जो चीज़ है मैंने मंगाई थी ये अमेज़ॉन से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी सारे प्रोडक्ट की। तो ये कुछ इस तरीके से है, इसमें आपको ये अलग से नहीं मंगाना पड़ता है। वैसे मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पर जिसमें ये अलग से ऑर्डर करना पड़ता है, लेकिन नहीं, इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें अपने हेलमेट में लगाकर दिखाता हूँ कि ये कैसे लगती है और कैसे वर्क करता है। देखिए, ये जो माउंट है ये मैंने ऑलरेडी लगा चुका हूँ, बहुत ही सिंपल है। इसमें दो आपको बेल्ट ऊपर मिलती हैं और एक सिंगल बेल्ट नीचे मिलती है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से लग जाती है, इसे यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, तो ये मैं इसे फिक्स ही रहने देता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली वो वाला हेलमेट यूज़ करता हूँ, और जब मेरे को व्लॉगिंग करनी होती है देन मैं जब ही इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो देखिए, अभी हम करते हैं क्लिप का माउंट। ये कुछ इस तरीके से है, हमें याद रखना है इसको नीचे की तरफ रखना है, और इसको हम लोग करेंगे इस तरीके से, इसको हमको बस डाउन पुश करना है, और आपको एक आवाज़ सुनाई देगी क्लिक की, इसको पुश करना है, ये हो गया, देन इज ओके। देन हम आपको ये माउंट जो है ये लगाना है, इस तरीके से लगाना है कि आपको जो ये होल है, एक सेकंड आपको दिखाता हूँ, ये हो गया पूरा सेट, वेट। तो अब ये हमको इसको मैच करना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं होल हो गया है मैच। देन अब हम करते हैं अपने स्क्रू को, इसमें अब हमको स्क्रू डालना है, बस दैट्स इट। अब बस हमें इसे टाइट कर देना है, अब इसको हम फ्लेक्स करेंगे। देन इसके बाद अब हमें अटैच करना है अपना फ़ोन, जिस फ़ोन से भी आप लॉगिंग करते हो, इस फ़ोन को अब हमें अटैच करना है हमारा टाइट। तो अब हम ये मोटो व्लॉगिंग के लिए अब ये सेटअप हमारा रेडी है। तो अब हमें अपना अटैच करना है माइक, तो माइक सिंपली मेरे को इसमें प्लग इन करना है, अपना एंगल सेट करना है,
देनी माइक को, मैं अपने इस नीचे बैल्ट पर। बाद में अब हमें माइक अटैच होने के बाद में हम अपने अपना मिरर डाउन करना है। अगर आप डाउन करना चाहते हो डाउन कर सकते हो, आपको अगर आप करना है ओपन करके चलाना है तो आप अपना सिंपली इसको टाइट करके एकदम, अभी ये एकदम टाइट हो चुका है, ये देखिए फिक्स है एकदम। तो भाई ये अपनी बाइक MR 15 वर्जन 4 रेसिंग ब्लू। तो मैं ये कहना चाहता हूँ मतलब सभी को जो भी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कि ऐसी बाइक हो या फिर कोई भी चीज़ हो, आप स्कूटी से अपनी जो आपके पास जो पर्सनल व्हीकल अभी भी जो अवेलेबल है आप उसी से भी मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बस जो बिगिनर्स हैं हम लोग, जैसे कि मैं भी अभी मोबाइल से मोटो व्लॉगिंग करता हूँ, हमें थोड़ी प्रॉब्लम आती है जो कि है स्टेबलाइजेशन का। हमारे पास एक यामा की वर्जन 2 है जो कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखी होगी, जो कि हमने शूट किया था ऑल यामा सीरीज़। देन हमारे पास है ये M। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग, हमारे पास अगर ऐसी बाइक है तभी हम लोग, काफ़ी यूट्यूबर्स हैं जो अपनी स्कूटी और अपनी स्प्लेंडर और अपनी बुलेट हर एक चीज़ पर मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं काफ़ी अच्छा। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप कर सकते हो, ऑल द बेस्ट। बस मैं आप सभी को यही कहना चाहता हूँ कि यार आप सपोर्ट कीजिए, आप वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे सभी को।